हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ अफगानी सलवार की। आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, इसीलिए सरल से भाषा में अफगानी सलवार की पूरी ड्राफ्टिंग और कटिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, अभी अफगानी सलवार के लिए हम जो कटिंग करेंगे इस कपड़े पे करेंगे, तो कपड़ा इस तरह से है। ये हमारा 2.5 मीटर कपड़ा है, इसे हम बराबर से ये दो फोल्ड ये ऐसे हैं, कपड़े को उल्टा बिछा लेंगे और इसको यहाँ से बराबर पकड़ेंगे तो इसके 4 फोल्ड हो जाएंगे। 4 फोल्ड के हिसाब से हम इसको बराबर से बिछा लेंगे। इस साइड को बहुत टेढ़ा है तो इसको हम रख लेंगे, सीधा कर लेंगे पहले। तो ये 37 लंबाई है, 6.5 मोहरी है और 38 कमर है। अफगानी सलवार में इतना ही लगता है। यहाँ से हम जितनी लंबाई है उतनी रखेंगे, तो ये 37 है तो हम 36 ही रखेंगे। 1 इंच हमारा नीचे से पट्टी लगेगी अफगानी सलवार में, तो वहाँ से हमारा बढ़ जाएगा। इसको रखने के बाद हम इसे सीधे निशान लगा लेंगे। 2 से 2.5 इंच हम ऊपर से इलास्टिक के लिए अलग से कपड़ा रखेंगे। तो अभी मैं 2.5 इंच रख दी हूँ, इतना सा हमारा इलास्टिक में मुड़ेगा। तो अभी ये बंद साइड हैं और ये खुले पल्ले हैं। तो हम बंद साइड से पहले कमर रखेंगे। कमर 38 है तो 38 का चौथा हिस्सा आप जहाँ पे 38 है वहाँ तक ले जाइए, उसके 4 फोल्ड कीजिए इंच टेप के, तो आपको पता चल जाएगा कि चौथा हिस्सा कितना है। तो इसका 9.5 आ रहा है, तो 9.5 ये हो गया और 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम इस पर, तो ये 2.5 इंच एक्स्ट्रा हो गया। सेम प्लाजो की तरह इसकी कटिंग होती है, बस ये बंद होते हैं प्लाजो में। यहाँ से भी कटिंग और यहाँ से भी कटिंग होती है, अफगानी सलवार में नहीं होती है। तो यहाँ से नीचे को हम आसन रखेंगे, हैवी साइज़ के अनुसार हम इस पर 13 रखेंगे, नहीं तो 11-12 से भी चल जाता है। तो 13 आसन रखने के बाद यहाँ से 2.5 इंच हम आगे बढ़ा लेंगे ये, और इस पर गोलाई दे देंगे। अभी यहाँ से मोहरी रखेंगे हम 6.5 उन्होंने मांग रखा है, तो इसका 2 गुना और उससे थोड़ा सा ज़्यादा। तो अभी 15 इंच में रख रही हूँ, टोटल 15 इंच की मोहरी में रख रही हूँ, और इन दोनों को मिला देंगे। इसकी गोलाई एकदम गहरी नहीं देते हैं, ऐसे बाहर बाहर से इसकी गोलाई देंगे और कटिंग हम यहाँ तक करेंगे, यहाँ से लेके ऐसे। तो इस हिसाब से हम कटिंग करेंगे। देखिए कितना आसान सा है अफगानी सलवार की कटिंग, और इसी के अनुसार हम कटिंग करेंगे। यहाँ से ये काटेंगे और यहाँ से अलग कर देंगे। तो अभी इसकी कंप्लीट कटिंग कर ली है मैंने। नीचे से मोहरी में लगाने के लिए पट्टी निकाल ली है मैंने 15 इंच की, तो ये डबल करके 15 है, तो 7 मोहरी रखेंगे हम, 6.5 या 7 मोहरी रखेंगे। तो इस हिसाब से तो इस टोटल कपड़े को हमें इस चुन्नट इसके अंदर निकालना है। तो अभी इसमें पेपर पेस्टिंग लगाएंगे, और पेपर पेस्टिंग लगाने के बाद इसको ऐसे लैस के साथ इसको अटैच करेंगे। तो अभी इलास्टिक मैंने काट लिया है, इसकी 38 कमर थी, पूरा इलास्टिक में से 38 कमर से 5 इंच हम कम करेंगे, तो अभी ये 34 इलास्टिक निकला है। तो ये टोटल इलास्टिक कमर पे लगेगी, और इसके अलावा इस कपड़े को हम ऐसे पकड़ेंगे, इसके आसन सिलेंगे। सबसे पहले आसन सिलने के लिए एक कपड़े को सीधा करेंगे, इसके ऊपर दूसरे कपड़े को सीधा रख देंगे, इन दो आसनों को एक साथ सिलेंगे ऐसे पकड़ के, और ऐसे सिलने के बाद दूसरे साइड के आसन भी हम ऐसे सिलेंगे। अगर आपने एक आसन सिल लिया है तो इसको खोल के आप इस पर टॉप की सिलाई कर सकते हो या इंटरलॉक कर सकते हो। आसन सिलने के बाद इलास्टिक को हम बराबर से पकड़ेंगे और एक दूसरे के ऊपर रख के इस पर पक्की सिलाई लगा लेंगे। अभी इसे हम ऐसे रखेंगे, और ये जो हमने सिल रखा था ये, और ये निशान लगा रखा था, एक इलास्टिक को हम ऐसे रखेंगे, इस निशान से हम नीचे मोड़ देंगे और एक बार और फोल्ड करेंगे। एकदम इलास्टिक के किनारे किनारे हम सिलेंगे ऐसे, एक जगह से सिलना शुरू करेंगे और बराबर से ऐसे पकड़ते रहेंगे और सिलते रहेंगे। इलास्टिक के ऊपर हमें सिलाई नहीं रखनी है, इलास्टिक में सिलाई रखेंगे तो फिर हमारा इलास्टिक खींचेगा नहीं। तो अभी देखिए पूरा इलास्टिक हमने सिल लिया है। एक बार इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, दोबारा ऐसे पकड़ के ऐसे खींचेंगे, इससे क्या हो जाएगा हमारा कपड़ा सब जगह चले जाएगा ऐसे। अभी हम एक आसन के ऊपर से ऐसे सिलाई रखेंगे ऐसे, इलास्टिक के बीचों बीच हम सिल के ले जाएंगे। अभी जो हमारा ये कपड़ा जितना आया है उतना हम ऐसे रखेंगे,
और इस कपड़े को हम नीचे करेंगे ताकि यहाँ पे इलास्टिक के किनारे किनारे पे हो, और इलास्टिक को पकड़ेंगे और कपड़ा जितना है उतना ही छोड़ देंगे, और एक जगह से इलास्टिक को ऐसे खींच देंगे इस तरह से, पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो अभी देखो कमर में इलास्टिक भी हमारा लग गया है। इलास्टिक चौड़ा वाला होता है, लेकिन मेरे पास अभी पतला था तो इतनी सी जगह बच गई है ये। तो चौड़े के हिसाब से अगर चौड़ा इलास्टिक लगाते तो इतना एरिया फिट आता, तो इलास्टिक मैंने इतना ही लगाया है पतला वाला, तो ये फिट हो गया है। अभी आई मोहरी की बारी। एक साइड से हम पकड़ लेंगे, ये सीधी साइड है हमारी, और इस पर हम चुन्नट डालेंगे। इतना सा हम ऐसे छोड़ देंगे ऐसे। अब हम चुन्नट डालेंगे, छोटे भी नहीं डालते हैं बड़े भी नहीं डालते हैं, ठीक ठीक साइज़ के इस पर चुन्नट डालेंगे। तो सभी चुन्नट मैं बराबर साइज़ के डाल रही हूँ। अभी हमें यहाँ से लेके यहाँ तक 14 इंच रखना है। तो अभी देखो पूरा चुन्नट हमने डाल लिए हैं, अभी इसको नापेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अभी हमारा 14 इंच आ रहा है। अगर हमें 13 मोहरी चाहिए तो 14 तो होना ही चाहिए। इसके अलावा मैंने ये 2 से 2.5 इंच की पट्टी निकाल ली है और यहाँ से 1/2 इंच छोड़ रखा है, बाकी इसको पेस्ट करके एक कपड़े पे लगा लिया है। अब इसे हम उल्टे साइड से लगाएंगे ऐसे सिल के, और इसे सीधे में पलट देंगे हाफ इतना। और इससे पहले हमें इस पे लैस लगानी है। अगर हमें यहाँ पे लैस चाहिए किनारे किनारे, तो इसके ऊपर हम लैस लगाएंगे तिकोने वाली। इस लैस को हम ऐसे रखेंगे, ये सीधा है, ये उल्टा है और ये उल्टा है, इस किनारे लगाना है। ये तो हमारे इसके साथ सिलेगा, ये किनारे पे हम लैस रखेंगे। तो इस लैस को हम बराबर से ऐसे रखेंगे किनारे किनारे पे, और इस पे सिल के ले जाएंगे। देखिए हमारी लैस लग गई है। अभी हम इसे उल्टे साइड से रखेंगे, ये हमारा उल्टा है यहाँ पे, और इसे भी हम उल्टा रखेंगे। अभी ये 1/2 इंच का जो छोड़ रखा है हमने, इस पे सिलाई लगाएंगे बराबर से, चुन्नट सीधे करते जाएंगे और इस पे बराबर से सिलाई लगाएंगे। ये हमारा सिल के कंप्लीट हो गया है। अब इसे हम ऐसे पलटेंगे, ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसे नीचे रखेंगे हम बुकरम के ऊपर, बराबर से ऐसे बिठा देंगे। अभी हम यहाँ से बीच में से पकड़ेंगे, ऐसे सेंटर में रखेंगे। अगर बीच में से नहीं करेंगे तो झोल आएगा हमारा, तो इस तरह से। अभी हमारा इस ये यहाँ पे आ रहा है, तो अभी इसको ढकते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अभी इस लैस के अलावा आप इस पे कुछ डिज़ाइन भी डाल सकते हो, और बहुत सारे लैस भी लगा सकते हो। इसे गोटा पट्टी से डिज़ाइन भी डाल सकते हो, पिनटक्स भी डाल सकते हो, बहुत सारा आप इस पे काम कर सकते हो। अभी मैं नॉर्मली सिंपल बना रही हूँ आपको बताने के लिए। सेम इसी तरह से हम दूसरे पैर की मोहरी भी तैयार करेंगे। अभी दोनों पैरों की मोहरी हमारी तैयार हो गई है। अब इसे हम बराबर से ऐसे फोल्ड करेंगे, इसको हम नापेंगे हमें जितनी मोहरी चाहिए। तो हमें 6.5 मोहरी चाहिए, तो इस किनारे पे 6.5 आ रहा है, तो यहीं से हम सिलते हुए ले जाएंगे डायरेक्ट। अभी हम बराबर कपड़ा करते हुए इसको सिल के ले जाएंगे दूसरे पैर से, एक पैर से लेके दूसरे पैर तक। इसको बराबर से कटिंग करने के बाद, ओवरलॉक और डबल सिलाई करने के बाद इसका फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। तो अभी देखो ये है अफगानी सलवार का फाइनल लुक। ये इसकी मोहरी, चुन्नट और कुछ इस तरह से ये तैयार किया, ये और कमर और ये आसन। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। धन्यवाद।